फोन पर भाजपा नेताओं की बातें सिस्टम सुधारने के नाम पर होती है कमाई। नवाबगंज के दो भाजपा नेताओं का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वे सिस्टम सुधारने के नाम पर ब्लैकमेल और कमाई की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिसमें एक भाजपा नेता ने ही कमाई में पूरा हिस्सा न मिलने पर ऑडियो वायरल कर दिया। बातचीत के कई ऑडियो सोमवार को वायरल हुए। ब्लॉक प्रमुख जेठानी के पति भाजपा नेता डॉक्टर AK गंगवार पर भी दबाव बनाकर ठेके हथियाने की बात हो रही है। चुनाव से पहले भाजपा नेताओं का अवैध वसूली की प्लानिंग बनाते हुए ऑडियो वायरल होने के बाद पार्टी में खलबली मची हुई है। ऑडियो में एक भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम रस्तोगी और दूसरे सूर्य राठौर भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। आइए आपको फ़ोन पे हुई बातचीत सुनाते हैं। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। गोलमोल बातें करता हूँ। मजे हमने की देखो ऐसा था, हमने सा मुझे हम लोगों के कार्यकर्ताओं हमारा नाराज ना हो, सिस्टम को सही करेंगे हम। हमें तो सिस्टम सही करना, बस इस तरीके की बातें करी मैंने ना। और आप सिस्टम सही नहीं कर रहे होगे। लालू लालू क्या होता है, लालू तो हमारे अध्यक्ष को भी नहीं मानता है, उनने भी कह दी है क्या, वो भी साला हमारे आगे घूम रहे चेयरमैन के लिए। हमने क्या है जे, मैंने की चेयरमैन लेने के लिए हमारे आगे पीछे घूमता है वो तो। लालू क्या है, लालू क्या क्या सिस्टम सही कर देगा। हाँ मैंने के हमारे हमारे पार्टी के लोग हैं और कार्यकर्ता, उनका उनकी यानी कि बिल्कुल मतलब इज्जत से सब काम हो और सिस्टम को सही करें आप, बस हम जैसे चाहिए। हमने इस तरीके से बात करी ना, बोले तो हमने आप बैठे आपसे बातचीत की, हमने बातचीत हमें आपकी बात लगी है, और बस हम यही चाहते कि सिस्टम सही होना चाहिए ना। बोले वो ऐसा है बंगाली हम पर, हमने बंगाली अगर गलत काम करा रहा है तो उसकी हम ऐसी तैसी कर देंगे, और सही काम करा रहा है तो कोई परेशानी नहीं है भैया हमें तो। क्यों भाई कह रहे हैं गलत काम करा रहे हैं, किसी के गलत राशन कार्ड जिनकी करोड़ों की वो बनी हुई है और जे है उनके राशन कार्ड के लिए 3-4 के लिए जो ले रहा वो हम नहीं करेंगे। हमने बिल्कुल मत करो, नहीं तो हम दे हम साले की ऐसी तैसी कर देंगे। हाँ क्या चीज बंगाली वो परेशान कर रहा है जी है वो, हमने की ऐसा है वो अगर गलत करिए उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। चार लोगों के जो नाम दे रहा उनके की दबाव डाल रहे माफिया के, बोले मैं रिपोर्ट लिखवा देता, मैंने रिपोर्ट लिखवाओ हम आपके साथ हैं। अगर कोई गलत आपके संग कर रहा, गलत कही हमने भाई जाओ गलत काम हम बोले तो गलत। हाँ फोन पे पैसे को लेकर बात करना। अरे कैसी बेवकूफन वाली पैसे की बदनाम, ये मालूम क्या कर रहे, कल कल मेरे हमारी वायरल कर दे तो मुंह में मुझ जाएगा हमारे भी क्या। हाँ। तुम क्या समझ रहे हो कि हम मैंने फोन उठाया उसको, फोन आ रहा है मैं फोन उठाया उसको। हाँ तो मैंने की बोले भाई साहब हमने 11 बजे 11:30 बजे में आऊंगा। बोले आप चाय पिए, हमने कोई बात नहीं चाय जरूर पियेंगे, आपका स्वागत है। अब बस इतनी बात हमने कही, अब बाकी अपनी कोई बात करूंगा मैं बाहर आके बात करूंगा जो भी है ना। बोले जे हम जब आपको हमने मान लिया है और जे बड़ा भाई और ये है वो है क्या पता नहीं थी क्या कह रहे हैं। अब चूंकि यहाँ कुछ आपके कृत से या लालू के कृत से श्याम जी नाराज थे इसलिए और हुआ जी ना। सही कही, हाँ मैंने कोई भी पैसे की बात नहीं खोली, खाली सिस्टम सही करने की बात कही। अरे पागल उगल हो गए, मुंह में मुत जाएगा हमारे कद्दू के जरा से पैसा के चक्कर में हम मुंह मुतवा ले अपने। अरे यार हम तुम क्या समझ रहे, हमने तो साफ लेके 1 रुपया कहीं दलाली ना करी, 1 पैसे का अपने ऊपर हम आपसे। हाँ हम जब भी शो करेंगे तो सिस्टम के शो करेंगे, सिस्टम सही करो हमारा एक लफ्ज है। हाँ हमने सिस्टम सही करेंगे, सिस्टम खाली करो मेंबर घोषण करा। अच्छा ठीक है, इसके बाद में सब बात करते हैं। ठीक है बस वो तो हम तुम जिस बढ़ाने तो यार तुम है अध्यक्ष तो तुम हो यार, हम थोड़ी ना नगर के यार, हम होते तो दिखाते, अब हम दिखला रहे हैं तुमसे कि ऐसे कर लो पीछे हम आएंगे, तुम क्यों करोगे आगे तो भ्रष्टाचार को मिटाने का काम तुम करोगे और बाकी तो हम सफाई हम कर देंगे साले को, बात समझ गए। यानी तो आज फिर उससे 11:30 बजे मिलते हैं हम, इसके बाद क्या होगा। अरे भैया गाड़ी के चक्कर में तो लगे पड़े हैं, कम से कम पैसा।
अरे अरे तुम वही तो टुंडला चक्कर में उंडला है खाली बहन वही जी। समझो गाली चले जाओ टुंडला। और यार पेमेंट वही तो पेमेंट अपना करा लोगन की, पेमेंट अपना करा लोग साहब बस यही तो करने हैं। पहले तो गाड़ी की व्यवस्था करनी है। अरे गाड़ी सब व्यवस्था होगी, तुम टेंशन मत ले। गाड़ी होगी, वीआईपी चलेंगे, माँ की आंख रुपया इतना, दोनों अरे इतना पैदा कर लेंगे हम, कुछ कहेंगे ना। में आराम से 101% पैसा होगा ना। और दूसरा एक और है, सप्लाई अस्पताल में जरा घुसो, जो अस्पताल में अजमेर सिंह से बात करनी है कि ना क्या करने, क्या स्टोर में दवाई पूरी है नहीं, स्टोर का माल जाता है। पहले जो इसको देता था क्या नाम, पैसा क्या नाम, करने मरगो चखंडी को प्रधान, जो गगन उगन के सबको पैसा मनंदर आया था। मनंदर हाँ हाँ तो पूरी वहां पूरी से, विस्तार समझो चलेंगे हम हाँ लोगों संग लगा देंगे सब पूरी बात बढ़िया समझ लो, लगाओ। पूरी बात समझ लो क्या पकड़ना कैसा कि पूरी बात समझ लो। हमें पता है स्टोर से सप्लाई सब बिकती है, जाके स्टोर में पूरी स्टोर की निकलवाओ कि दवाइयाँ कौन कौन सी और सरकार से कौन कौन सी आई, बस इतनी कहने हैं तुम्हें ना। और जी जी सिस्टम सब देखो क्या है क्या नहीं है ना, कौन वो क्या कर रहे, आज दिखा रहे कल वो आया था। सही मेरा दिमाग, अरे मनी यार इससे पहले तो यार हम एक दो बार हम और राजकुमार गए इनकी हड़कम लेने के लिए, बहुत पहले जब जयनगर अध्यक्ष था राजकुमार गुप्ता, तो हमने मीटिंग लई थी बहुत खरीदी करके। हम पर बस सप्लाई स्टोर के कि दवाई की हमें लिस्ट चाहिए, दवाई क्या अवेलेबल है, क्योंकि मेडिकल पे बाहर होती है दवाई। क्या कह रहे आप, ये सीएमआई सिखाते चलो हैं आइए बस ये ये बात पास ये। अभी 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 भड़काता हूँ, अभी हल्के पहुंचाई बात भड़का दे रहा हूँ, भड़का दे रहा हूँ। हाँ हड़का के भाई हमें लिस्ट चाहिए अब कितनी दवाई है, और लोग परेशान होते हैं। हाँ लाइन में ले ले ले, जाऊंगा हाँ लाइन ले। हाँ आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रख। हेलो कलर भाई क्या हाल है? बढ़िया भैया, श्याम रस्तू जी बोल रहे हैं भैया? श्याम रस्तू जी बोल रहे हैं? अरे परी भैया कैसे हैं, नमस्कार। कौन सा नंबर है? मैं दूसरे नंबर, दूसरे नंबर पर्सनल नंबर था। क्या हुआ, कैसे फोन किया बताइए? मैं इसलिए फोन किया ना, दवाइयों को सिखाते आएंगे स्टोर स्टोर आपके दवाई स्टोर आपके उसमें दवाइयों को स्टोर के इंचार्ज आप हैं? कौन है दवाई स्टोर का? हाँ स्टोर इंचार्ज मैं हूँ। बाहर दवाइयों की बिक्री की शिकायतें आ रही है, मुझे रिकॉर्ड चाहिए उस दवाइयों को सारा। क्या लिखा है? बाहर से शिकायत आ रही है दवाइयाँ अस्पताल तक बिकी जा रही हैं मेडिकल पे। कौन बोल रहे हैं आप, जांच करवाइए इस चीज। हाँ तो मुझे उसका पूरा उसका स्टोर करके माऊंगा अस्पताल फोन करवा भी। मैं आया हूँ भोजीपुर, भोजीपुरा भाभी की तबियत खराब हो रही ना। अच्छा 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 हाँ हाँ मैं भाई यहाँ बाहर एकदम दिखाने के लिए आया हूँ डॉक्टर पंत साहब को। चलो तो आप बात करता हूँ इंचार्ज आप शिकायत करता कौन है ये बता दीजिए, मैं तो बताऊंगा आपको जाके। ठीक है अच्छा ठीक बताऊंगा मुझे बिल्कुल भैया, कोई जिंदगी में नहीं हो सकता ऐसा काम है ना। कौन सी दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो ब्लैक हो, मतलब ही नहीं होता है। ठीक ठीक है बाकी कल आऊंगा तब आपके साथ सुन लूंगा। ठीक डॉक्टर साहब आर्य जी, वो आप जो भाजपा प्रत्याशी हैं और टिकट के दावेदार भी हैं भाजपा से, आप 1995 से ही भाजपा में लगे हुए हैं, क्या कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है जैसा ये आज जो एक आईडियो वायरल हुआ है, एक सूर्य राठौर और नगर अध्यक्ष भाजपा, तो उनके बारे में आप जनता को और अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए दो बातें हैं, एक तो आपने 1995 बताया, 1995 नहीं मैं 1985 में नवाबगंज आया और तभी से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ। इतने लंबे कालखंड में मैं अपने बारे में तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई शक नहीं है, पूरी विधानसभा के अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि डॉक्टर साहब ने कहीं 5 रुपये का कहीं कुछ खराबी या मतलब गोलमाल किया हो। भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में ये संस्कृति ही नहीं है, और निश्चित रूप से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कहीं किसी भी तरह का दाग दोनों सरकारों पर आज तक नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का कहीं कॉलम नहीं है। माननीय मोदी जी इतने फक्कड़ जैसी जिंदगी जीते हैं मैं कह सकता हूं कि जो भी वेतन एक सांसद का उन्हें मिलता है, एक प्रधानमंत्री का वेतन मिलता है, वो अपने सचिवालय की
कर्मचारियों की बेटियों की शादी में लगा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। और माननीय योगी जी तो कुर्ते में रुमाल, मतलब कहना चाहिए जेब ही नहीं रखते हैं, एक छोटी सी जेब अपना रुमाल रखने के लिए है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति क्या है। नवाबगंज में क्या हुआ मैं इस विषय में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे संगठन के लोग हैं इस मामले में संज्ञान लेंगे, और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। वकील साहब, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं एडवोकेट असद कुमार गंगवार। अच्छा, ये एक भाजपा के नाम से एक आइडियो वायरल हो रहा है, ये पूरा मैटर क्या है, क्या पूरी बात क्या है, बताइए जी। ये वीडियो वायरल मैंने भी सुना है, इसमें आवाज सूर्य प्रकाश राठौड़ और भाजपा नवाब नगर मंडल अध्यक्ष श्याम रस्तोगी की है, इन दोनों के बीच की वार्ता का वीडियो है, जिसमें ये 10 लाख रुपया माहवार उगाही की बात कर रहे हैं। ये वीडियो इस बात को शो करता है कि ये दोनों महाभ्रष्ट हैं। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की स्वच्छ सभी छवि पर दाग लगाने वाले लोग हैं, भाजपा की छवि पर दाग लगाने वाले लोग हैं। ये किसी के नहीं है, ना भाजपा के है, ना योगी जी, ना मोदी जी के। इनको तो ईमानदार छवि के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग इनको लाए, चौराहे पे खड़ा करें, मुंह काला करें, गधे पर डालें और इनको भाजपा से विदा कर दी। और जो नेता लोग ऐसे भ्रष्ट नेताओं को सह दे रहे हैं, इनको बैठा लें, मंच पर बैठा लें, अपने कार्यक्रम में रख लें, उन नेताओं को भी इनसे ऐसे लोगों से भाई नुकसान होगा। अच्छा, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इन लोगों को पैसा देते हैं, क्या उनको नहीं पता है? देखिए, पैसा आदमी मजबूरी में देता है, दवा में देता है, मतलब उसका मतलब भ्रष्टाचार वो भी है। अधिकार हुआ दिखाकर डरा धमका के ये पैसा मांग रहे हैं, ये दोहरा अपराध कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको जेल भिजवाना चाहिए। कुछ काला धंधा वो भी करते होंगे जो इतना इतनी मोटी रकम दे रहे हैं, कुछ तो बजे होगी। कौन क्या करता है इसको हमें नहीं देखना है। हमारी भाजपा की जो नीति है, हमारे माननीय योगी जी की नीति है, हमारे माननीय मोदी जी की जो नीति है, स्वच्छ साफ ईमानदार छवि है। हमें ऐसा कार्यकर्ता चाहिए, ना कि भ्रष्ट बेईमान अधर्मी नेता नहीं चाहिए। अच्छा, सरकार मतलब जो भाजपा का जो नाम बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, इनको जेल भिजवाना चाहिए, इनको पार्टी की सदस्यता से प्राथमिक सदस्यता वंचित कर देना चाहिए और पद तुरंत छीन लेना चाहिए।